मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न मतलब कि हम किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ब्लड का ट्रांसफ़र करेंगे और किस तरीके से हम ब्लड का डिटर्मिनेशन करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से वाले पर्सन को चढ़ाना है। ठीक है, तो उसके आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कौन कौन से प्रोटोकॉल का हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वन इज़ दैट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ डोनर कि हम किस तरीके से डोनर का सिलेक्शन करेंगे। देन कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड का हम कलेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने सिलेक्शन कर लिया एक डोनर का, देन हम ब्लड का कलेक्शन करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, देन उसका ट्रांसपोर्टेशन यदि हमको करना है एक जगह से दूसरी जगह तक तो हमको किस तरीके से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू द रिसिपिएंट मतलब जो हमने ब्लड का कलेक्शन कर लिया, स्टोरेज कर लिया उसका, देन ट्रांसपोर्ट करने के बाद ब्लड लिया और उसके बाद में हम किस तरीके से जो हमारा रिसिपिएंट है जिसको हमें ब्लड चढ़ाना है उसको किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हमें देखनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ डोनर। डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज सच एज TB, कैंसर, जॉइंटीज और एनी अदर ट्रांसमिसिबल डिसीज। जो डोनर होता है वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए डिसीजेज से, लाइक TB हो गया, कैंसर हो गया, जॉइंटिस या किसी भी टाइप की जो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है या ट्रांसमिसिबल डिसीज़ होती है उससे वो फ्री होना चाहिए, तो ही हम उसका ब्लड ले सकते हैं। मेक श्योर दैट डोनर हैज़ नॉट डोनेटेड द ब्लड विद इन प्रीवियस 90 डेज। मतलब हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो डोनर है उसने 3 महीने पहले तक किसी को भी ब्लड ना दिया हो तो ही हम उसका ब्लड ले सकते हैं। फिजिकली एक्टिव बिटवीन द एज ऑफ 18 to 65 ईयर विद इन द एवरेज हाइट एंड वेट। और जो पर्सन है जिसका हम ब्लड ले रहे हैं, जो डोनर है वो फिजिकली एक्टिव होना चाहिए और उसका एज जो है 18 से 65 के बीच होना चाहिए और उसका हाइट और वेट भी एवरेज होना चाहिए। डोनर मस्ट हैव नॉर्मल वाइटल साइन मतलब कुल मिला के उसके जितने भी साइन एंड सिम्टम्स है वो नॉर्मल पर्सन की तरह होना चाहिए, वो किसी भी प्रकार से एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, उसके वाइटल साइंस नॉर्मल होने चाहिए। मस्ट नॉट हैव बीन प्रेग्नेंट विद इन द लास्ट 6 मंथ। जो यदि कोई फीमेल है जो ब्लड डोनेट करना चाहती है तो हमें श्योर करना पड़ेगा कि जो फीमेल है वो लास्ट 6 मंथ से प्रेग्नेंट ना हो। देन हीमोग्लोबिन मस्ट बी अबाउ 12 ग्राम परसेंट। जो उसका हीमोग्लोबिन है डोनर का वो 12 ग्राम परसेंट तक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। डोनर शुड बी डिसक्वालिफाइड हु हैव हिस्ट्री ऑफ रिसेंट एंकल सर्जरी, मेजर सर्जरी, रिसिपियंट ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स, इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा। जो डोनर है वो डिसक्वालिफाइड हो और उसके पास किसी भी प्रकार की हिस्ट्री ना हो, लाइक डेंटल सर्जरी की या उसकी कोई मेजर सर्जरी ना हुई हो या उसी ने ही खुद ने ही किसी वजह से ब्लड रिसीव ना किया हो या ब्लड का कोई भी कंपोनेंट रिसीव नहीं किया हो, उसका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें उसकी हिस्ट्री में नहीं है तो ही हम उसका ब्लड ले सकते हैं और वो तभी उसको ब्लड डोनेट कर सकता है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द डोनर। जो ब्लड डोनेशन का या ब्लड कलेक्शन का जो भी प्रोसीजर है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो भी प्रोसीजर है वो पूरा एक्सप्लेन हमें डोनर को करना होता है। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्टेड एम्प्टी स्टमक, शुड नॉट बी डिहाइड्रेटेड। जो ब्लड है वो जब भी हम कलेक्ट करें तो हम ये मेक श्योर हों कि पर्सन का स्टमक एम्प्टी ना हो और वो पूरी तरीके से हाइड्रेटेड हो, प्रॉपर तरीके से उसने पानी पिया हो, उसने खाना खाया हो, तभी हम उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे। फॉलोइंग द डोनेशन डोनर शुड बी ऑफर्ड स्वीटेंड ड्रिंक एंड आस्क टू द रेस्ट एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर्स टू प्रिवेंट फैंट। हम जब भी ब्लड डोनेट करवा लें डोनर से तो उसके बाद उसे एक स्वीटेंड ड्रिंक देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड डोनेशन के बाद उसको 1 कप कॉफ़ी का पिलाया जाता है, क्यों, उससे ताकि उसका एनर्जी लेवल मेंटेन हो जाए। तो स्वीटेंड ड्रिंक उसको ऑफर करेंगे, उसको 1 से 2 घंटा रेस्ट करने के लिए कहेंगे ताकि हम फैंट को मतलब उसे चक्कर ना आए और वो प्रॉपर नॉर्मल हो जाए, इसलिए हम उसको रेस्ट करने को कहेंगे। बिफोर लीविंग द कलेक्शन सेंटर डोनर मस्ट बी ऑब्जर्व फॉर एनी गाइड गिडनेस कलर चेंजेस।
चेक वाइटल साइंस फ्रिक्वेंटली। नाउ कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। डोनर ब्लड इमीजिएटली आफ्टर इट इज विड्रॉन शुड बी प्लेस्ड इन द रेफ्रिजरेटर। जब भी हम डोनर का ब्लड निकाल लें कल तो हम उसको तुरंत कलेक्ट करके और उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। ऐसा ना हो कि हमने डोनर से ब्लड ले लिया, उसको कलेक्ट कर लिया और उसके बाद वो बाहर ही रखा हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जैसे ही हमने ब्लड लिया, होल ब्लड सैंपल लिया और उसको हम रेफ्रिजरेटर में उसको स्टोर कर देंगे। स्टोर्ड ब्लड शुड बी इंस्पेक्टेड डेली एंड बिफोर यूज फॉर एविडेंस ऑफ हीमोलाइसिस और बैक्टीरियल कंटामिनेशन। जो भी ब्लड हम लेंगे उसको प्रॉपरली स्टोर करने के बाद डेली बेसिस पे उसका इंस्पेक्शन करेंगे और सारे एविडेंस देखेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का हीमोलाइसिस तो नहीं हुआ या कोई बैक्टीरियल कंटामिनेशन तो नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे देखेंगे कब तक, जब तक वो ब्लड हमने स्टोर किया हुआ है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इन द हॉस्पिटल शुड बी डन विदिन 30 मिनट्स आफ्टर इट इज़ टेकन फ्रॉम द प्लेस ऑफ स्टोरेज। जब भी हम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल तक, तो 30 मिनट के अंदर अंदर हमको उससे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ब्लड हमारा कंटामिनेटेड हो जाता है और ख़राब हो जाता है। इफ़ ब्लड इज़ नॉट यूज इट शुड बी रिटर्न टू द रेफ्रिजरेटर विथ एन हाफ एंड ओवर। मतलब यदि हमको ब्लड हमने निकाला यूज़ करने के लिए और फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी तो हमें तुरंत वापस से रेफ्रिजरेटर में रख देना होगा। ऊपर वाली लाइन छूट गई थी हमारी। इफ़ द ब्लड इज किप्ड एट रूम टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ ब्लड विल राइज अबाउट 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन 30 मिनट्स। ठीक है, यदि हम ब्लड को रेफ्रिजरेटर से निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट प्लेस यूज प्री कूल्ड इंसुलेटेड बैग्स टू कीप द टेम्परेचर ऑफ ब्लड बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि हमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबी दूरी में करना है तो हम क्या करेंगे, उस ब्लड के जो ब्लड रहेगा, जो भी उसका कलेक्शन ऑफ ब्लड का जो भी कंटेनर रहेगा उसके साथ में हमें प्री कूल्ड इंसुलेटेड बैग साथ में रखने पड़ेंगे जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो आज हमने पढ़ा कलेक्शन ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड एंड सिलेक्शन ऑफ डोनर। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरीके से हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ब्लड का टू द रिसिपियंट्स। थैंक यू।